हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये झटपट बनने वाला ब्रेड रोल। ये स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी भी आपके यहाँ सडनली कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट बनने वाला ये रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे जो वेजिटेबल्स चाहिए वो है अनियन, बीन्स, गाजर और ग्रीन चिल्ली। एज़ यू विश, आपको जो सब्जियाँ पसंद हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास ये अवेलेबल था और बेसिकली इसमें यही जाता है, तो मैं ये सारी सब्जियां यहाँ चॉप कर रही हूँ। तो मेक श्योर कि आपको सब्जियां बहुत बारीक बारीक चॉप करनी है। तो यहाँ मैंने एक ही ग्रीन चिल्ली लिया है बिकॉज़ कि मुझे अपने बच्चे के लंच बॉक्स में भी देना होता है, तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ। तो एज़ यू विश, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा बना सकते हो और आपको जो सब्जियां पसंद हैं आप वो सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ फ़िलहाल मेरी बीन्स चॉप हो चुकी है, कैरेट चॉप हो चुकी है, अब मैं अनियन चॉप कर रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बॉयल पोटैटो को पिल करके एक तरफ रख दिया है। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले रखी है जिसमें मैंने 3 से 4 टीस्पून ऑयल डाला है। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने इसमें लगभग आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स को मैंने ऐड कर दिया इसमें। वेजिटेबल्स को लगभग थोड़ा सा मैं फ्राई की हूँ। उसके बाद उसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और मैं नॉर्मल मिर्ची तीखे वाली वो भी मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है और उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सारी वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मटर भी डाली थी। मेरे पास फ्रोज़न मटर थे तो मैंने उसको डाल लिया है। तो इसको बॉईल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पास नॉर्मल मटर हो, ग्रीन मटर, तो आप उसको डालें, बट आप उसको पहले डालना होगा आपको सब्जियों के साथ, क्योंकि पकने उसको में थोड़ी टाइम लगती है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ बाकी के मसालों को भी ऐड कर दिया है। लाइक मैंने आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाला है, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर डाली है और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, लगभग हाफ कप से भी कम, ताकि मसाले सारे अच्छे से पक जाएं, जले नहीं। उसके बाद मैंने आलूओं को धीरे धीरे क्रंच करके डाला है, उसे धीरे धीरे तोड़ कर डाला है। इस रोल में आलूओं को ग्रेट नहीं करना है, आलूओं के छोटे छोटे चंक्स रहने इसमें ज़रूरी हैं, वो अच्छा टेस्ट लाता है। तो मैंने बाकी के सारे आलूओं को उसमें चंक्स बनाकर ऐड कर दिया है और फिर मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करना होगा, नहीं तो आलूओं के एक बॉयल से टेस्ट आने लगते हैं। तो सब्जियों के साथ भी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि सारे मसाले एक दूसरे में रस बस जाएं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से सेट कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसकी कलर कितनी प्यारी आई है, कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अब इस स्टेज पे मैंने कोरिएंडर लीव्स को धीरे धीरे चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। फिर मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये पूरे रोल में जाने के लिए अच्छी तरह से रेडी है। तो अब यहाँ मेरे रोल बनाने के सारे सामान लगभग रेडी हो चुके हैं। मैंने सारे सामान को इकट्ठे कर लिए हैं। तो फिलहाल आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड की 4 स्लाइसें ली हैं
और एक प्लेट में मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। अब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो कि मैंने पानी यहाँ पर क्यों लिया है। तो पहले मैं ब्रेड के किनारों को काटूंगी, ब्रेड को एक साइज़ की करूंगी क्योंकि ब्रेड थोड़े बड़े थोड़े छोटे होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ ब्रेड नाइफ से। उसके बाद मैं ब्रेड को बारी बारी लेकर पानी में डीप करूंगी और उसे फिर मैं अच्छी तरह से पानी को सारे निकाल लूंगी। तो ब्रेड ऑलमोस्ट मेरे डन हो चुके हैं। अब मैंने ब्रेड को दोनों साइड से पानी में भिगा लिया है और इसे फिर दोनों पाम से अपनी हथेलियों से दबा दबा कर उसके सारे पानी निकाल लें। और फिर उसमें जो मैंने स्टफिंग के लिए पोटैटो रेडी किए थे मसाले, वो मैं ब्रेड के अंदर उसको फिल कर दूंगी और चारों तरफ से उसे धीरे धीरे आप सेट कर दें, एक कटलेट का शेप दे दें और उसे अच्छी तरह से दबा दबा कर उसमें स्टफिंग को सेट कर दें। और ध्यान दें कि उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ मेरी पहली कटलेट, पहली रोल रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। फिर मैंने दूसरा उसमें डीप किया है और उसी तरह से मैं उसे दबा दबा के उसके सारे पानी निकाल ले रही हूँ। और फिर मैं इसमें आलू को फिल करूँगी और फिर उसी तरह से चारों तरफ से मैं इसे सेट कर लूँगी ताकि आलू कहीं से बाहर ना निकले, वरना आपके रोल भी ख़राब हो जाएंगे और ऑयल भी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और उसके बाद मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो पानी में डालने का एक मकसद ये भी होता है ब्रेड का कि जब पानी उसमें रहता है तो ये तेल को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता है और ये खाने में भी क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा ये। तो आप जब भी इसे निकालें तो आप पेपर नैपकिन का यूज़ कर लें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेड रोल पूरी तरह से रेडी हो गई है सर्व करने के लिए और ये बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनती है। आपके यहाँ कोई भी गेस्ट कभी भी आए, ये इजी टू एक्सेस है, बनाने में भी बहुत इजी है और आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।